अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चीज़ी टिक्का सैंडविच बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैंने आधा पाव जितना चिकन लिया था बोनलेस, और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था। अब इसमें एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें एक टीस्पून धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। एक चुटकी रेड फूड कलर डालेंगे। एक टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे। नमक डालेंगे हसबे जायका। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और इसको 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें 1/4 कप जितना पानी डालेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन हमारा तैयार है और अब सैंडविच बना लेंगे इससे। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और अब मैं इसको इस प्याले की शेप में काट रही हूँ। चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसमें चिकन के पीसेस रखेंगे। और ऊपर से मोज़रेला चीज़। दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखकर सैंडविच बना लेंगे और इसी तरह हम बाकी के सैंडविचेस भी बना लेंगे। अब एक पैन में हल्का सा ऑयल लगाकर सैंडविच को दोनों साइड से सेक लेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।